अभिनेत्री श्रीदेवी को गुजरे हुए 4 साल होने को जा रहे हैं। 24 फरवरी साल 2018 में वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। श्रीदेवी को हमेशा ही उनके चाहने वाले याद करते हुए नजर आते हैं। वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि उनके पति फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी दोनों ही बेटियां खुशी कपूर और जानवी कपूर सोशल मीडिया पर उनके साथ के खूबसूरत पलों को शेयर करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए भी नजर आते हैं। एक बार फिर से बोनी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है। श्रीदेवी को याद करती हुई नजर आए हैं बोनी कपूर। क्या कहते हैं बोनी कपूर इस पोस्ट के जरिए, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आइए दिखाते हैं वह पोस्ट जो सभी को इमोशनल कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी को गुजरे हुए 4 साल होने को जा रहे हैं। श्रीदेवी को हमेशा ही उनके परिवार के सदस्य उनके चाहने वाले याद करते हुए देखे जाते हैं। एक बार फिर से श्रीदेवी को याद करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए नजर आए हैं फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर। बोनी कपूर ने रिसेंटली एक तस्वीर शेयर की है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इस तस्वीर में बोनी कपूर और श्रीदेवी आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खूबसूरत तस्वीर को शेयर करते हुए बोनी कपूर ने एक स्वीट सा नोट भी लिखा है। इस तस्वीर में बोनी कपूर अपनी लव लेडी श्रीदेवी के साथ नजर आ रहे हैं और उन्हें इस तस्वीर में आइसक्रीम ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं। श्रीदेवी इस तस्वीर में आइसक्रीम खाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बोनी कपूर ब्लू कलर की टी शर्ट में नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में दोनों की क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिल रही है जो फैंस को काफी पसंद आ रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए बोनी कपूर ने लिखा है, हम दोनों को मीठा बहुत पसंद था, वह कंट्रोल कर लिया करती थी लेकिन मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ करता था। इस तस्वीर को जब बोनी कपूर ने शेयर किया तो उनकी बेटी खुशी कपूर लाइक करती हुई नजर आई है। वहीं यूजर्स ने भरपूर प्यार बरसाया है इस तस्वीर पर। बता दें आपको, श्रीदेवी के गुजर जाने के बाद बोनी कपूर ने एक बार अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए कहा था कि मैं उन्हें भूलने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, वह मेरे विचारों में है और हमेशा ही रहेंगी। दिन का कोई भी मोमेंट नहीं होता जब वह मेरे साथ नहीं होती हैं। वह फिजिकली मेरे साथ नहीं है लेकिन हमेशा मेरा दिमाग भी लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में रहती हैं। और इस तरह से बोनी कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए श्रीदेवी को याद करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाया है और सभी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीदेवी जो फिल्म इंडस्ट्री में चांदनी के नाम से मशहूर हुई और अपनी बेहतरीन और शानदार एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती के जरिए भी फैंस को दीवाना करती हुई नजर आई। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से बोनी कपूर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दिए हैं श्रीदेवी को याद करते हुए। श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन हमेशा ही लोगों के दिलों में बसी रहेंगी। उनकी यादें हैं जो हमारे बीच हमेशा ही जिंदा रहेंगी। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।